नेशनल पार्टीज, किन पार्टीज को जो है हम नेशनल पार्टीज के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि जब हम ये कहेंगे कि ये पार्टी जो है हमारी नेशनल पार्टी है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। अभी आपको बताया कि हर पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन के साथ जो है रजिस्टर करना होता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज फॉर लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज। अब क्या है, ये एक स्पेशल जो है फैसिलिटीज भी जो है देती है किनको, जो बड़ी पार्टीज हैं या फिर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पार्टीज है। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रेकग्नाइज्ड अ पार्टी। उनको एक पहचान दिलाने के लिए, एक रेकग्नाइज्ड पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक क्राइटेरिया जो है बनाया है, उस क्राइटेरिया को फॉर्म करना जरूरी है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो वो जो है एक रेकग्नाइज पार्टी जो है हमारे देश की जो है बन जाएगी। अब देखते हैं वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कौन सा क्राइटेरिया जो है बता रखा है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 seats। अब देखिए एक पार्टी जो है उसको जो है कम से कम, ये इंडिया है, इस इंडिया में हमारी जो है अलग अलग जो है स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स में क्या हो रहा है कि कम से कम जो है 6% जो है वोट्स मिलनी जरूरी है, टोटल वोट्स, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन। कौन से इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जो है 6% वोट मिलनी जरूरी है। एंड विन एटलीस्ट 2 seats, इस 6% वोट्स में से 2 seats तो 100% जो है जीती हुई होनी चाहिए। तो वो जो है हमारी स्टेट पार्टी, एज ए स्टेट पार्टी उसको हम रेकग्निशन देंगे। अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है, किसको हम रेकग्निशन देंगे। A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha. अब हमारे Lok Sabha के elections हुए हैं, Lok Sabha में जो है total जो है पूरी country में उस particular party को जो है 6% जो है votes मिलने जरूरी हैं। For example, यहाँ पर हम example लेते हैं BSP, बहुजन समाजवाद पार्टी। अब इसको जो है पूरे के पूरे इंडिया से जो है कितनी वोट मिलनी जरूरी है, 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा में। नेक्स्ट आता है दूसरा क्राइटेरिया, एंड विन एटलीस्ट 4 seats इन द लोकसभा, और लोकसभा में कम से कम जो है 4 seats भी होनी जो है जरूरी है। इसको हम जो है क्या कंसीडर करेंगे, उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। क्लियर है, 6% यहाँ पर टोटल वोट्स इन लोकसभा, स्टेट के केस में हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर्टिकुलर स्टेट में 6% वोट्स। क्लियर है, स्टेट पार्टी हम को रेकग्निशन कैसे मिलेगी, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है उसको 6% वोट्स जो है उस पार्टी को मिलनी है। यहाँ पर स्टेट में भी हम BSP का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। अब इस पार्टी को जो है 6% जो है वोट मिल गई पूरे स्टेट में, प्लस 4 seats जो है इन्होंने एक पर्टिकुलर कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जीत ली है, तो वो जो है हमारी स्टेट पार्टी कंसीडर होगी। और नेशनल पार्टी वो होगी जिन्होंने जो है लोकसभा इलेक्शन, यानी कि पूरे इंडिया के जब इलेक्शन हुए तो 6% वोट्स प्लस 4 seats। समझ आ गया, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, ये देखिए नेशनल और स्टेट पार्टी की रेकग्निशन किस तरीके से होगी, किसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा और किसको जो है स्टेट पार्टी का। यहाँ पर आ जाएगी हमारी 6% ऑफ
टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन प्लस 4 सीट्स। यहां पर आ जाएगा हमारा स्टेट पार्टी में 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट आता है प्लस विनिंग ऑफ 2 सीट्स। ये क्राइटेरिया है हमारा। अब ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो वो जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब जिन्होंने जो है ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो उसको जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको स्टेट पार्टी का जो है दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में कौन सी मेजर नेशनल पार्टीज हैं? देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। 2018 की बात करें तो उस टाइम पर 7 रिकॉग्नाइज्ड जो है नेशनल पार्टीज थी। ये बढ़ती भी रहती हैं। पहली आती है हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में है ये। रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में जो है बनी कब थी? 1 जनवरी 1998। लेकिन इनको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला था? 2016 में। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास, कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। अब ये दोनों ही हमने पॉइंट कर रखे हैं। सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? समझते हैं ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म क्या है। वो ये कह रहे हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इज डेडिकेटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, इसमें बिलीव करते हैं। सेकुलरिज्म मीन्स जहां पर कि हम पर्टिकुलरली एक रिलीजन को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो है सब ही रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इक्वल बिलीफ है सब रिलीजन में। हमारा इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल बिलीफ इन ऑल रिलीजन्स, जहां पर कि हम जहां के लोगों को जो है हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है पर्टिकुलरली इसी रिलीजन को फॉलो करें। हम अपनी स्टेट में जो है हर किसी को कहते हैं कि ठीक है, आपको जो भी रिलीजन ऑप्ट करना है ऑप्ट कीजिए, जिसको भी आपको मानना है आप उसको मान सकते हो। तो ये उस पैरामीटर्स पर वर्क करती है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता है जहां पर कि ये पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में बिलीव करते हैं। पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? फेडरलिज्म को अगर हम नेशनल लेवल पर समझे तो इसका मतलब होता है जहां पर हमारी पावर्स जो है स्टेट, सबसे पहले हमारा आएगा सेंटर, फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद हमारा क्या आएगा? लोकल गवर्नमेंट। यानी कि हमने एक हायरार्की फॉलो कर रखी है। सेंटर के पास सेंटर में लॉ बनाने का राइट है, स्टेट को स्टेट में लॉ बनाने का हमने राइट दे रखा, लोकल में हमने लोकल को जो है लॉ। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में हमारा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी आ जाता है। क्लियर है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये इन दो पैरामीटर्स पर जो है वर्क करती है। इसकी तरफ डेडिकेटेड है। कौन सी? कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। नेक्स्ट आता है Has been in power in West Bengal since 2011। 2011 से जो है ये लोग जो है पावर में है। एंड हैज अ प्रेजेंस इन, इनकी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है, यानी कि इनकी पार्टी कहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा।
In the general elections held in 2014, it got 3.84% votes. अब जनरल इलेक्शंस मतलब बेटा लोकसभा के इलेक्शंस, यानी कि पीएम के इलेक्शंस लोकसभा में. इन्हें उस टाइम पर इनकी पार्टी को कितनी वोट मिली थी? 3.84% वोट्स एंड 134 सीट्स. उस टाइम पर इन्होंने 34 सीट्स जो है जीती थी, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा. लोकसभा में फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. नेक्स्ट हमारा आता है बीएसपी, बहुजन समाजवाद पार्टी, फॉर्मड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम. कांशीराम के लिए प्लीज ये स्टैट्स का जो डाटा है लर्न कर लेना, तो ये पूछा जा सकता है. आपको पार्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो यू शुड नो कि कौन सी पार्टी जो है कब फॉर्म हुई थी, कब कब इनके इलेक्शंस हुए थे, कौन से जीते थे, तो वो दैट यू शुड नो. सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन विच इंक्लूड्स. ये किन किन को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन के मसीह हैं बहुजन समाजवाद पार्टी? दलित, आदिवासी, ये लोग जो है इनको ज्यादा वोट देते हैं. ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो धार्मिक तौर पर जो है माइनॉरिटीज में आते हैं, वो लोग जो है इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जो है ये लोग जो है सिक्योर करते हैं बहुजन समाज पार्टी. स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल. अब जो है ये दलित के वेलफेयर के लिए जो है उनका इंटरेस्ट जो है सिक्योर करने के लिए जो है ये खड़े रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये हमेशा जो है बात करते हैं. इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी. इनका मेन बेस कहाँ पर है बीएसपी का? दैट इज यूपी. एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस, और कौन कौन सी स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है और किस किस स्टेट में जो है इनके कैंडिडेट्स रहते हैं? नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, इन इन जगहों पर भी जो है ये पार्टी जो है एग्जिस्ट करती है, मेनली यूपी. बताओगे कि ये किसकी पार्टी है? बीएसपी. कोई बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा कि ये बीएसपी जो पार्टी है वो कौन से लीडर की है? अ वेरी फेमस, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है वो. कैन एनीवन टेल कि बीएसपी जो है वो किनकी पार्टी है? A very famous one. No one knows. चलिए ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, कल जरूर बताना. वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी. फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड डिफरेंट टाइम्स. आपको क्या कह रहे हैं कि यूपी में बहुत बार जो है ये लोग जो है इन्होंने गवर्नमेंट जो है बनाई है यूपी में. By taking the support of different parties and different times, अलग अलग समय पे इन्होंने अलग अलग parties के support पर जो है government form करी है. अभी मैंने एक alliance की बात करी थी, तो वही चीज, ये जो है alliance बनाते हैं और then party जो है form करते हैं. Next आपका आता है करेक्ट. उज्जवल आपने चैट बॉक्स में आंसर दिया था. यस, ये आप देख सकते हो इनका जो है चिन्ह, चुनाव चिन्ह, दैट इज एलिफेंट. एलिफेंट इनका चुनाव चिन्ह है और ये जो है मायावती जी, और इन्होंने बहुत बारी जो है यूपी में जो है गवर्नमेंट फॉर्म करी है विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज. नेक्स्ट हमारा आता है वेरी फेमस वन, वेरी वेरी फेमस, नोन एज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, फाउंडेड इन 1980, फॉर्मड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951. वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर. इंडिया का जो पुराना कल्चर है, एंशिएंट होता है पुराना कल्चर, वहां से इंस्पायर होके ये एक मॉडर्न इंडिया जो है बनाना चाहते थे, बिल्ड करना चाहते थे. एंड वैल्यूज
दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अब ये किन के आइडियाज पर चलते थे? दीनदयाल उपाध्याय। इंटीग्रल, इंटीग्रल होता है बेटा एकता, यानी कि ह्यूमैनिटी को जो है इकट्ठा करना है, सब लोगों को जो है एक करना है, उसमें जो है ये लोग बिलीव करते थे। हिंदू तब में ये बिलीव करते हैं, आज भी मोदी जी को क्या बोला जाता है कि वो एक हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, ऑल्दो वो बाकी रिलीजन की भी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहने में कहा जाता है कि ये जो है मेन जो है किस चीज को प्रमोट करते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करें तो ये हिंदू तत्व को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू अर्बन एरियाज, अगर हम शहरों की बात करें तो ये जो है नॉर्थ और वेस्ट में जो है थी। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरिया। इन्होंने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इन्होंने अपना सपोर्ट जो है साउथ में भी बढ़ाया, ईस्ट में भी बढ़ाया, नॉर्थ ईस्ट में भी, एंड देन लेटर ऑन रूरल एरियाज में भी। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 282 मेंबर्स इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। अगर 2014 लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, जब पीएम, जब मोदी जी जो है पहली बार जो है पावर में आए थे, पीएम बने थे ये, तो उस टाइम पर ये लार्जेस्ट पार्टी जो है उभर के आई थी, बीजेपी। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फाउंड इन 1925, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। आप जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये जो है किन किन चीजों पर बिलीव करती है? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, यानी कि जो है किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को जो है ये लोग जो है प्रमोट नहीं करते हैं। ये सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जहां पर कि इनको ये बोलते हैं, ये इनका मानना, इनकी परसेप्शन ये है कि आप जो है हर किसी धर्म को जो है ऑप्ट कर सकते हो, आपकी जो भी खुद की पर्सनल चॉइसेस हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने रिलीजन को जो है ऑप्ट। दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, जनतंत्र में ये बिलीव करते हैं, लोगों में ये बिलीव करते हैं, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड थी। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेक्शनिज्म एंड कॉम्युनलिज्म। अब कॉम्युनलिज्म और सेक्शनिज्म मीन्स ये उन चीजों को अपोज करते थे, विरोध करते थे, जो कि एक सांप्रदायिकता को जो है अपोज करते थे, यानी कि किसी पर्टिकुलर, जैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं प्रमोट करते थे, उसी तरह अब कम्युनलिज्म होते जो कट्टरपंथी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें विश्वास नहीं रखते थे, ये अपोज करते थे, ये इनका ये मानना था कि सब इकट्ठे होके मिलजुल के रहे, इंटीग्रिटी में ये बिलीव करते थे, लोगों में ये विश्वास रखते थे, रादर देन कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये बिलीव नहीं रखते थे। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। अब इनका जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो है ये एक्सेप्ट करते थे, यानी कि पार्लियामेंट में जो जनतंत्र है, जो लोग जो है बैठ के बिल बना रहे हैं, तो उसको जो है ये प्रमोट करते थे। ये क्या चाहते थे कि वर्क क्लास जो है काम हो, फार्मर्स एंड पुअर की जो है फेवर में थे, उनके लिए ये काम जो है ये पार्टी जो है करना चाहती थी। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन दी स्टेट्स ऑफ, अब ये कौन कौन सी स्टेट्स में प्रिवेल करते थे, दैट इज केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन इन जगहों पर जो है ये इंपॉर्टेंट थे, इनकी प्रेजेंस थी। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट एंड 1 सीट इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। अगर हम 2014 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वहां पर जो है इनको जो है सिर्फ एक ही सीट जो है इनको मिली थी, और जो वोट जो थे लेस देन 1%, 1% से भी जो है कम वोट्स जो है इनको मिले थे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है, आप में से कोई बच्चा है गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो है पेपर देगा, प्लस वन के लिए भी होता है ना, जैसे 10th वाले बच्चे जो है आगे प्लस वन में प्रमोट होने के लिए, तो
इसके भी जो है जल्द ही फॉर्म जो है डेट जो है आएगी गुरुकुल कुरुक्षेत्र की। तो प्लस वन के लिए आप जो है गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकते हो, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे भी, और जो कॉमर्स जो लेना चाहते हैं उनका भी एग्जाम होता है दोनों का ही। नेक्स्ट हमारा आता है अनदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन द सेम स्पोर्ट सोशलिज्म, समाज को जो है सपोर्ट करते हैं, सेम सेकुलर को जो है सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में ये लोग बिलीव करते हैं, कॉम्युनलिज्म को जो है ये सपोर्ट नहीं करते, इसको अपोज करते हैं, इंपीरियलिज्म और कॉम्युनलिज्म को। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। अब ये किन चीजों को एक्सेप्ट करते थे? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी कि जो भी लोग जो है वोट दे के आ रहे हैं उस चीज में ये लोग जो है बिलीव करते थे, फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक, ताकि पूरे समाज में जो है सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी जो है जस्टिस जो है बना रहे, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को जो है प्रमोट करते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे। इंजॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनको जो है काफी अच्छा सपोर्ट कहाँ पर मिलता है? वेस्ट बंगाल, केरल एंड त्रिपुरा, वहां पर जो है इनकी इंपॉर्टेंस है। द पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। विदाउट 34 ईयर्स के ब्रेक के साथ जो है ये पार्टी जो है पावर में थी, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये पार्टीज को जो है डिस्क्राइब करने के लिए भी दे सकते हैं। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वन अबाउट 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट्स। अब बात करें हम 2014 लोकसभा इलेक्शंस की, तो वहां पर जो है अराउंड 3% वोट्स जो है इन्होंने टोटल जीती टोटलिटी में, और 9 सीट्स जो है इनकी पार्टी को जो है मिली थी। दिस इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा अनदर इंपॉर्टेंट पार्टी नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही फेमस वन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, सबसे पुरानी पार्टी जो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करी जाती। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पर भी सिर्फ एक पार्टी थी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो यही थी। फाउंडेड इन 1885, संस्कृत कॉलेज। वहां पर फाउंड करी गई थी 1885 में संस्कृत कॉलेज, एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, और इन्होंने काफी अलग अलग तरीके के स्प्लिट्स को जो है एक्सपीरियंस करा है, यानी कि बहुत से लोग जो है अलग हुए थे। अगर हम उन 1907 की बात करें तो आईएनसी में जो है एक्सट्रीमिस्ट, दो भागों में बटा था आईएनसी, एक एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट्स में, नरम दल और गरम दल जिसे बोलते हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि इन्होंने काफी स्प्लिट्स को जो है एक्सपीरियंस करा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये तीनों ही वर्ड आपका सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कहां पर डाला गया है? हमारे प्रियम्बल में। ये पार्टी जो है इनके ऊपर बेस्ड थी, सेकुलर में बिलीव करती थी, डेमोक्रेटिक जनतंत्र, सेकुलर जहां पर कि हम पर्टिकुलरली किसी भी रिलीजन को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम हर रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर किसी को मौका दे रहे हैं कि आप अपने रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो। रिपब्लिक में ये बिलीव करते थे, हेरिडिटरी पोजिशन में ये बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक जो है रूलिंग पार्टी रही थी सेंटर में। सेंटर मतलब नेशनल लेवल पर जो है ये 1977 तक जो है रिप्रेजेंट, एंड देन उसके बाद 1980 से लेके 1989 तक इन्होंने अगेन रूल करा, मतलब पावर में रहे। फिर आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन,
1989 के बाद जो है इनका जो है स्पोर्ट जो है गिरना शुरू हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, यानी कि इनके स्पोर्टर्स कम होने शुरू हो गए थे, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज भी ये प्रेजेंट है पूरी की पूरी कंट्री में, हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी है, उसके कैंडिडेट्स जो है रहते हैं। द पार्टीज मेन आइडिया इज टू प्रमोट सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को ये प्रमोट करते थे एंड किन के लिए काम करते थे, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, जो कमजोर लोग होते थे, वीकर सेक्शन के जो लोग होते थे हमारी इंडियन सोसाइटी में, उनके लिए काम करते थे, एंड माइनॉरिटीज। दूसरा माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज वो लोग होते हैं जिनकी हमारे देश में पॉपुलेशन जो है कम होती है, हैविंग वेरी लेस पॉपुलेशन नोन एज माइनॉरिटीज। अगर हम हिंदू के बाद बात करें, हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो जो है हिंदू की है, हिंदू के बाद जितनी भी कम्युनिटीज आती है दैट फॉल्स अंडर माइनॉरिटीज, वो सारी की सारी माइनॉरिटीज में आती हैं, चाहे आपके जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो एंड सो ऑन। दिस इज अबाउट INC। अच्छे से पता होगा, राहुल गांधी। नेक्स्ट हमारी आती है अनदर पार्टी दैट इज नोन एज, उज्जवल वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा प्रांजल, क्या चाहते हो कि नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों के नेम आए। व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू पीपल आर डूइंग, हाउ वुड आई कम टू नो, वंश राणा, नवजोत, नमन, आपने वीडियोस ऑफ कर रखी है, मुझे क्या पता चल रहा है आप लोग क्या कर रहे हो। इट्स बेटर नॉट टू अटेंड द क्लास, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप वीडियो ऑफ करके नीचे गेम्स खेल रहे हो या फिर चैटिंग कर रहे हो और सिर्फ मीटिंग में आप ही की क्लास की ही क्यों बात कर रही हो, सिर्फ 10th एंड 11th। और किसी क्लास की बात नहीं थी, आप छाए हुए थे। चलिए एनी हाउ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी formed in 1999 following a split in the Congress party. अब ये जो है कांग्रेस पार्टी से अलग होके, कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होके इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी नोन एज नेशनल कांग्रेस पार्टी इन द ईयर 1999. स्पोर्ट्स डेमोक्रेसी, जनतंत्र को सपोर्ट करते हैं, गांधीयन सेकुलरिज्म, गांधीयन के जो सेकुलरिज्म के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको जो है ये सपोर्ट करते हैं, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन सब चीजों को जो है ये प्रमोट करते हैं, यानी कि समाज में ज्यादा से ज्यादा न्याय हो, फेडरलिज्म हो। फेडरलिज्म मतलब यानी कि सेंटर, स्टेट और लोकल, more than one level of government, that is known as federalism. अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पर 3-tier system जो है follow up होता है, जहाँ पर कि center जो है पूरे national level को represent करती है, state, हर state में अपनी अपनी government है, and then local हमारा आ जाता है पंचायत और municipalities. पंचायत हमारी जो होती है वो rural areas में होती है और म्युनिसिपैलिटीज जो होती है वो हमारी अर्बन एरिया में होती है, यानी कि सिटीज एरिया में प्रिवेल करती है। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत ही मेजर पार्टी है एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, और इनकी जो है सपोर्टर्स कहाँ कहाँ पर ज्यादा है, दैट इज इन मेघालय, मणिपुर एंड असम, इन स्टेट्स में जो है इनकी प्रेजेंस है। अ कोलिशन पार्टन, कोलिशन होता है गठबंधन, अ कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। अब इन्होंने महाराष्ट्र में जो है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इनके साथ कोलिजन कर रखा है कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वहां पर गठबंधन की सरकार। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ द UPA। अब 2004 की बात करें हम, तब से जो है ये जो है अ मेंबर ऑफ द यूपीए, यूपीए का जो है ये मेंबर है सिंस 2004। दिस इज पार्टी सिंबल।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।